छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा से लगे गांवों में बेगा आदिवासियों का नसबंदी कराने का बड़ा मामला सामने आया। इसके पीछे नसबंदी का टारगेट पूरा करने का आदेश होने की आशंका है, जो भोले भाले बेगा आदिवासियों को कुछ पैसों का लालच देकर नसबंदी के लिए छत्तीसगढ़ के गोरला तहसील के अंतर्गत आने वाले केवंची के बेगापारा और इससे लगे अन्य गाँव की महिलाओं को मध्य प्रदेश की डिंडोरी जिले में आने वाले करंजिया गाँव ले जाकर नसबंदी कराई जा रही थी। दरअसल 12 नवम्बर 2014 में बिलासपुर जिले में नसबंदी कांड सामने आने के बाद नसबंदी पर कुछ हद तक रोक लगा दी गई थी और इसी नसबंदी कांड में गोरिल्ला की चेतीबाई बेगा की मौत हो गई थी। पूरा मामला गोरिल्ला अनुविभाग के बेगा बहुल्य गांव केवंची आमाडोब और इससे लगे आसपास के ग्राम पंचायतों का है, जहां इस समय मध्य प्रदेश के करंजिया में नसबंदी का टारगेट पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की बेगा महिलाओं को भेला फुसला कर और कुछ रुपयों का लालच देकर नसबंदी के लिए ले जाया जा रहा था। आज सुबह केवंची के बेगापारा और आमाडोब से बेगा महिलाओं नसबंदी करने के लिए मध्य प्रदेश के करंजिया ले जाया जा रहा था, जिन्होंने गांव के सरपंच और अन्य ग्रामीणों ने किसी तरह समझाइश दे नसबंदी कराने से रोका और इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव का दौरा किया और महिलाओं से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही में जुट गए। तो वहीं डिंडोरी के IAS कुमार सत्यम करंजिया में छत्तीसगढ़ की 6 अन्य महिलाओं को नसबंदी कराने पहुँचे पर पूछताछ कर नसबंदी कराने से रोका और गोरिल्ला SDM मयंक चतुर्वेदी को सूचना दी, जिसके बाद गोरिल्ला नायब तहसीलदार ने महिलाओं को करंजिया से वापस गोरिल्ला लाया। दरअसल बेगा जनजाति विशेष संरक्षित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। आपका राधा बेगा, क्या करते हैं आप? मितानी। बताया जा रहा है यहाँ के लोग नसबंदी कराने जाते हैं दूसरे राज्य में करंजिया, क्या लगता है जाते हैं? कोई बोलते हैं कि पहले गए थे उरा मोहल्ला का मितानी बोल रहे थे कि 2-4 जो गए थे ऐसे करके बोल रहे थे, तो मैं अपना मोहल्ला का बोलती हूँ कि चलो जो साधन हॉस्पिटल में अपनाने के लिए बोलते हैं ऐसे बोलता हूँ मैं, तो नहीं जाएंगे, मांस पकड़ लेता है, करता है, आदमी मर जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। करंजिया जाते हैं? करंजिया जाते हैं। आज भी कुछ लोग जाने को तैयार थे? मेरे को पता नहीं है सर, अभी बताए हैं तो जा रहे थे। इनको पैसा का लालच दिया जाता है क्या? चलो कर पाते नहीं सर, इतना मालूम नहीं है। पर करंजिया जाते हैं जी। क्या कराने जाते हैं करंजिया? नसबंदी। नसबंदी करवाने करंजिया जी। अच्छा, सवेरे कहाँ जा रहे थे? करंजिया। कहाँ करवाने? ऑपरेशन। नसबंदी। उसको कुछ कागज वगज दिए थे? नहीं दिए थे। कहा बोले कितना पैसा मिलेगा? 5,000 रुपया। कई जन जा रहे थे? कितने लोग रहे? 10 लोग रहे। फिर क्या हुआ, वापस आ गए सबकी कुछ चले? वापस आ गए। तो गलत नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के लोगों को वहाँ ले जा रहे हैं ऑपरेशन कराने, मान लो पैसा वैसा नहीं दिए, कुछ गलत हो गया तो क्या करोगे? हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं ना? आपको मालूम है बैगाओं का नसबंदी नहीं होता, सरकार मना कर रखा है? नहीं मालूम था। नहीं मालूम था, लेके जा रहे थे लेकिन नसबंदी के लिए? नहीं तो बताए। कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? वहाँ तो बता था ना, कबीर में जा रहे थे। वही तो ऑपरेशन में बुला रही था। नसबंदी के लिए? हाँ। कौन बुलाया? वहाँ की मितानी। क्या बोली थी? यही है, उन्हें कह रही से ऑपरेशन के लिए। हाँ। यहाँ नजदीक में होता है तो इधर नहीं जाते आप? कई जन जा रहे थे? 6 जने। 6 जने तो सब बैगा थे? हाँ। बैगा महिला? हाँ। किसमें जा रहे थे आप? सुबह बस में जाओ कहत रहन। हाँ। कैसे रुक गए? मना करिन तो रुक गए, भला उठ के भाग गया है। जो मितानी लेके जा रही थी, क्या नाम उसका? नहीं पता। कौन से? कबीर के है वो। कबीर? हाँ। पूरे बैगा महिला? हाँ। आप बोलो कौन कौन महिला कौन सी जाती है? जो आप लोग जा रहे थे कौन सी जाति को आप लोग? बैगा। बैगा? हाँ। नसबंदी कराने जा रहे थे? हाँ। नीरा कहाँ रहते हैं? केंची। कहाँ जा रहे थे सर महिलाओं के साथ? कबीर। क्या करने? ऑपरेशन। नसबंदी? हाँ। कितने लोग थे? 6। कौन बोला था जाने के लिए वहाँ? कबीर के मितानी बुला रही। फिर वहाँ से कहाँ जाते? करंजिया तो ले जाऊं कहत रहीस। करंजिया? हाँ। सब बैगा महिला है? हाँ। बैगाओं को नसबंदी तो मना है सरकार के द्वारा, फिर कैसे बलाए रहीस? तो जात रहे हैं। जात रहे तो रुक गए? हाँ। ठीक।
क्या नाम आपका? प्रताप सिंह मार्को। कहाँ रहते हैं मार्को जी? केवची बस्ती में। बता रहे हैं आप यहाँ के कुछ महिलाओं को ऑपरेशन कराने ले जा रहे थे करंजिया, क्या मामला था? नहीं, अपने कुछ फोन से बताए तिराहा वाले कि 9:30 बजे वाली बस में लेके जाएंगे करके, तो मैं लोग उपसरपंच के साथ आए अपन वहाँ तुरंत, तो 8-9 महिला वहाँ बैठी थी, उनको पता चलने पर कि कबीर के कोई आके ले जाने वाले हैं, और एक गाँव का लड़का जो बाहर काम करते हैं कबीर में वो भी रहा, तो उसके बाद फिर वो बताए मैं लेके जा रहा हूँ भैया वहाँ बुलाए हैं, तो हम उनको डांटे फिर भाई का परिवार है करके इनका नसबंदी नहीं होता, फिर सभी महिलाएं लोग वापस हो गए अपने घर। कहाँ लेकर के जा रहे थे ये तो इस बताएं, करंजिया बता रहे थे, कन्फर्म मेरे को भी मालूम नहीं है। नसबंदी के लिए कितने महिलाएं रहे? वही 8-9 जने रहे, गिनती तो अपन की नहीं रहे वहाँ, लेकिन 8-9 रहे। कौन से मोहल्ले के? दोनों मोहल्ले के, भाई के पार्क दो मोहल्ले हैं वहाँ के भी रहे, दोनों मोहल्ले के। बता रहे हैं कुछ पैसे ऐसे कभी? नहीं, उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है। नाम बताइए। प्रताप सिंह मार्को। आज सूचना मिली थी कि 4 महिलाएं जो हैं मध्य प्रदेश के करंजिया में ले गए करके, उसको तफ्तीश किए हम लोग, गांव में जाकर पूछताछ किए, प्लस वो जहां करंजिया था वहां भी हॉस्पिटल गए थे हम लोग, वहां के तहसीलदार से सहयोग लेकर उन लोगों को पूछताछ किए, महिलाएं और उससे बयान वाने लिए हम लोग, तो उन लोग कहना है कि हम लोग स्वेच्छा से आए थे अपना स्वयं का नसबंदी कराने के लिए, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में नसबंदी का कुछ शिविर वगैरह नहीं लग रहा है यहाँ पर, इसलिए वजह से स्वयं इच्छा से गए थे बताए। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं, शासकीय अस्पताल था। नहीं नहीं, मैं तो खुद व्यक्तिगत महिलाओं से जो गए थे उन लोगों से पूछा हूँ, और उन लोग खुद अभी भी वहाँ कराना चाह रहे थे, उन लोग आने के तैयार नहीं थे, बोल रहे थे कि हम लोग जब आए हैं तो करा कर जाएंगे करके, तो ऐसा पैसा वैसा लालच तो मुझे नहीं लगता है, कोई प्रोत्साहन राशि होगा अलग मैटर है, उसको नहीं जानता मैं।